अगली बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं। अगली बड़ी खबर भी देहरादून से ही है, जहां दून वासियों को बड़ा झटका लगा है। जी हां, देहरादून के दून वासियों को बड़ा झटका लगा है। देहरादून के 40,000 भवनों पर जो है टैक्स लगने वाला है। अब दून नगर निगम क्षेत्र की 129 बस्तियों पर टैक्स लगेगा, जिससे काफी बड़ा झटका लोगों को लगता नजर आ रहा है। बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ है कि अब 40,000 भवनों पर टैक्स लगेगा। बस्तियों का टैक्स सिर्फ मैनुअल व्यवस्था से लिया जाएगा और नगर निगम का सालाना करीब 4 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ेगा। नगर निगम को फायदा होता दिख रहा है, वहीं लोगों को झटका यहां पर लग सकता है, क्योंकि एक साथ 40,000 भवनों पर टैक्स लगेगा। 129 बस्तियों में ये भवन आते हैं 40,000, तो लोगों को टैक्स देना होगा। लगभग सालाना टैक्स की अगर बात करें तो 4.5 करोड़ रुपए का राजस्व नगर निगम के लिए बढ़ेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून के दून से, जहां अब 40,000 भवनों पर टैक्स लगा दिया गया है और कहीं ना कहीं इससे बड़ा फायदा नगर निगम को होने वाला है। बड़ी खबर आपको देहरादून के दून से बता रहे हैं, जहां दून वासियों को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। देहरादून के 40,000 भवनों पर अब टैक्स लगने जा रहा है। दून नगर निगम क्षेत्र की 129 बस्तियों पर भी टैक्स लगेगा, तो काफी ज्यादा बड़ा झटका है आम जनता को लगेगा। 4.5 करोड़ रुपए का सालाना टैक्स नगर निगम के खाते में जाएगा, जिससे नगर निगम को भी फायदा होगा और लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें टैक्स देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये टैक्स उनकी जेबों पर भी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ दून वासियों को भी एक बड़ा झटका लगा है। एक साथ 40,000 भवनों पर जो है टैक्स लगेगा, 129 बस्तियां दून की है, उसमें भी टैक्स लगेगा।